हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जून को प्रदेश में बसें चलाने को हरी झंडी दे दी थी। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने सरकार के आदेशों पर बसें भी चला दी, लेकिन एक सप्ताह बाद ही आधे रूटों पर बसें बंद कर दी गई हैं। सोलन जिला में आधे रूटों पर निगम द्वारा बसों को बंद कर दिया गया है, कारण सवारियां ना मिलना है। निगम के अनुसार तेल खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कोरोना काल में सोलन जिला में लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने भले ही लोगों की सुविधा के लिए बसें चलाने को हरी झंडी दे दी हो, लेकिन सवारियां हैं कि बसों में बैठने को तैयार नहीं है, और ये बात अच्छी भी है। कोरोना से बचना है तो कुछ दिनों तक घरों में रहना होगा। सोलन जिला में 1 जून से अधिकतर रूटों पर HRTC की बसें चला दी गई थी, लेकिन एक सप्ताह बाद आधे रूटों को बंद कर दिया गया है। बंद किए गए रूटों पर सवारियां ही नहीं है, तेल खर्चा भी यहां पर पूरा नहीं हो पा रहा। वहीं निजी बसें पहले से ही जिला सोलन में नहीं चल रही है। सोलन के सहायक अड्डा इंचार्ज राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें सोलन जिला में चलाई गई थी। उन्होंने बताया कि पिछले एक सप्ताह से निगम घाटे में ही चल रहा है, जिसके चलते जिन रूटों पर सवारियां नहीं है उन रूटों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से गाड़ियां गवर्नमेंट ने चलाई है, हिमाचल पथ परिवहन की बसें चली, लेकिन अभी हफ्ता 8 दिन में अभी तक हिमाचल पथ परिवहन घाटे में ही चल रहा है। तेल का भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जिन रूटों पे सवारियां है उन रूटों पे गाड़ी भेजी जाए, 20-22 सवारी हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम रूटों पे जहाँ तक लोगों को सुविधा मिल सके सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी जिन रूटों पे सवारी नहीं है या इससे कम सवारी है, इनकम जिनकी 10-12 रुपये से कम इनकम आ रही है, उन रूटों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 8-10 रूट सोलन डिपो के सोलन से बंद कर दिए, बाकी अर्की राजगढ़ के कुछ रूट वहाँ से भी बंद हुए जो खाली चल रही थी गाड़ियाँ। हमें तो सिर्फ ये दिखता है अड्डे पर भी सवारी कम है, गाड़ियाँ मैक्सिमम खाली चल रही है। लोग इस महामारी से डर रहे, बाहर निकलने से डर रहे। वही आदमी आ रहा है, बाहर निकल रहा है जिनको कोई ज़रूरी काम है या ऑफिस आना है। बाकी मैक्सिमम लोग डरे हुए घरों से बाहर निकलने से, कतरा रहे। तो अभी तो समय लगेगा, हो सकता है थोड़े दिनों में स्थिति सुधर भी जाए या और भी बिगड़ सकती। कोरोना महामारी को लेकर लोग जागरूक हैं। निजी बसें ना चलने के बावजूद भी सरकारी बसें एक सप्ताह तक खाली ही चली, और नौबत अब ये आ गई है कि सवारियां ना मिलने के चलते विभाग को आधे रूट बंद करने पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।